नितिन गडकरी, आपके लिए कहते हैं कि चौथी बार हमारी सरकार बने ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन रामदास आठवले चौथी बार मंत्री जरूर बनेंगे। हाँ मतलब गारंटी मतलब है, मतलब हमारी तो गारंटी है कि मतलब मेरी जरूर गारंटी है कि दूसरे कोई बने या ना बने, लेकिन मैं बनने वाला हूँ। और इस गारंटी के पीछे किसकी वारंटी है? इस गारंटी के पीछे किसकी वारंटी है? नहीं नहीं, वारंटी है मतलब वारंटी तो है, मतलब हम लोग हैं, अभी मोदी साहब के साथ है, मोदी जी की हवा और भी चलने वाली है, 10-15 साल तक मोदी जी की हवा चलती रहेगी, तब तक मैं उधर रहूंगा, जब हवा बंद हो जाएगी तो मैं सोचू। अच्छा, महाराष्ट्र पर मैं फिर से आती हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता आपको कौन लगता है? नहीं, नेता तो कौन, मतलब अभी जिस तरह आपने मुझे पूछा है, तो महाराष्ट्र में इतने दो पार्टियों को साथ में लाकर अपनी ताकत बढ़ाने वाला कौन नेता होगा, तो देवेंद्र फडणवीस जी है। देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे जी को, अजीत दादा जी को साथ में ले लिया है, मतलब उन्होंने उनको तो तोड़ा नहीं है। मतलब अभी बात चल रही थी कि भाई एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है और किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने मतलब शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा नहीं है, हमने खाली एकनाथ शिंदे और अजीत दादा को हमारे साथ जोड़ा है। मतलब वो काम हमने किया, वो हमारे साथ आए, इसीलिए हमने उनको साथ में लिया है। तो सबसे बड़ा नेता तो आपने देवेंद्र फडणवीस बता दिया मौजूदा परिस्थिति में। कौन सा नेता ऐसा है जिसके साथ जनता नहीं जाने वाली? कौन सा नेता ऐसा है जिसे जनता नकारेगी? नहीं, जनता तो सबके साथ होती है, लेकिन कम ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा जनता हमारे साथ है, इसीलिए हम सत्ता में आएंगे। कम जनता जिनके पास है वो अपोजिशन में जाएगी, और भी कम जनता है तो उनका एक भी आदमी चुनकर आएगा नहीं, और कम जो लोग हो तो उनका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। तो मतलब इसी तरह है, तो आदमी सबके साथ होते, कौन से आदमी के साथ नेता ने ऐसा नहीं है, आजू बाजू में सब लोग होते हैं, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। मैं तो बोलता हूँ, अरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आगे कब बढ़ेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आगे कब बढ़ेगा, मैं दुश्मन के साथ लड़ रहा हूँ तू कब लड़ेगा। मतलब ये काम हमारे लोगों ने करना है, तो सबके साथ लोग होते हैं, लेकिन कम ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ तो एकनाथ शिंदे का चेहरा है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन वहाँ माफ कीजिएगा महायुति में, लेकिन महाविकास अघाड़ी में कोई चेहरा अभी तक नहीं दिया गया, इसके पीछे आपको क्या रणनीति समझ आती है? नहीं, महाविकास अघाड़ी में चेहरा मतलब एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है। उद्धव ठाकरे जी चाहते थे कि भाई उनका चेहरा आगे लाए, लेकिन पवार साहब ने बोला कि इतनी जल्दबाजी मत करो, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी तीन पार्टी में से जिसकी सीट ज्यादा आएगी उसका चेहरा आगे आएगा, लेकिन तुम्हारी ज्यादा आएगी तो कितनी ज्यादा आएगी, सरकार बनाने से तो सीटें आएगी नहीं उनकी, इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार बनाने के लिए हमारी सीट ज्यादा आएगी। और महाविकास अघाड़ी में एक नाम का मुख्यमंत्री पद का नाम अनाउंस नहीं किया है, हर आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। आज महाराष्ट्र में एक फैशन है, हर एक आदमी बोर्ड लगाता है, अपना होल्डिंग लगाता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगी, और जो बोर्ड लगाते वो कभी नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब खाली बोर्ड लगाने से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लेकिन ठीक बात है, सभी लोग बोर्ड लगा रहे, अच्छी बात है, हर एक को लगता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुझे लगता है दिल्ली में ही मंत्री रहना चाहिए।